देख लो ये इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे पाहा. इंटिग्रेशन ऑफ 1 बाय ए प्लस बी साइन स्क्वेअर एक्स, इंटिग्रेशन ऑफ 1 बाय ए प्लस बी कॉस स्क्वेअर एक्स, कॉस स्क्वेअर एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ ए प्लस बी साइन स्क्वेअर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वेअर एक्स ये फॉर्म में है. Whenever denominators are in the form of sin square, cos square, sin square, cos square, ABC are real number constant, then steps देख लो यहाँ पर क्या है ये compulsory steps क्या है what? क्या है first one divide numerator and denominator by cos square x, then denominator ये क्या है देख लो डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ ओनली टेन, देन हाँ न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर में क्या है 1 बाय कॉस स्क्वेयर है और सेक स्क्वेयर एक्स. हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होना, पुट क्या है ये टेन एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर क्या बनता है ये sec square x dx equal to dt. Then you can solve using the previous, इसके आगे तो नहीं कि नहीं हमारे जो लास्ट प्रीवियस फॉर्मूले उनका यूज करके और स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे. देख लो देन नेक्स्ट टाइप में देख लो क्या है ये, इसके बाद इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म देख लो क्या है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म. नेक्स्ट ये साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डिनोमिनेटर होने के बाद ये भैया और देख लो क्या है ये फर्स्ट वन, इसमें देख लो ये 1 बाय ए प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, देन डी एक्स बाय ए प्लस बी कॉस एक्स, देन डी एक्स बाय ए प्लस बी साइन एक्स और सी क्रॉस के साथ ये है. उसी तरह देख लो ये क्या है ये फॉर्म है तो फिर ज्यादा से ज्यादा डी एक्स बाय ए प्लस साइन टू एक्स, डी एक्स बाय ए प्लस बी क्रॉस टू एक्स और ज्यादा से ज्यादा ए प्लस बी साइन टू एक्स सी क्रॉस टू एक्स है. ये अगर ये फॉर्म में है ओनली साइन क्रॉस है तो फिर क्या करना, ये पुट टी इक्वल टू देखो पुट टी इक्वल टू टेन एक्स बाई टू और वही फॉर्म में देख लो ये अगर हमारा ये साइन टू एक्स कॉस टू एक्स है तो पुट टी इक्वल टू क्या बोल रहा है ये टी इक्वल टू टेन एक्स. अगर यहाँ पर एक्स है तो कंपल्सरी होना एक्स बाई टू, अगर टू एक्स है तो होना ओनली एक्स. क्या है इसमें कंपल्सरी ले सकते हैं हम डी एक्स इक्वल टू टू डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वेयर, साइन टू का फॉर्मूला साइन टू एक्स साइन एक्स यानी और साइन टू एक्स क्या है ये टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वेयर और कॉस एक्स के लिए वन माइनस टी स्क्वेयर बाय वन प्लस टी स्क्वेयर है ये फॉर्मूला. देन यहाँ पर ये डी एक्स इक्वल टू क्या होता है डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वेयर और उसके बाद साइन एक्स यानी साइन टू एक्स के लिए टू टी बाय वन प्लस टी स्क्वेयर और क्रॉस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वेयर बाय वन प्लस टी स्क्वेयर. हाँ ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद तुम अपने जो प्रीवियस फॉर्मूले है उनका यूज कर सकते हैं. देख लो देन इसके बाद और इसके साथ साथ ये भी फॉर्म में आ सकता यानी व्हाट देख लो ये साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर देन साइन एक्स कॉस एक्स होने के बाद हम नया एक और एक मेथड यूज करेंगे. ये पॉइंट्स देख लो क्या है वो उनका यूज होगा. क्या है
हाँ नेक्स्ट देख लो कौन से फॉर्म में है। सपोज ये फॉर्म में है dx by a sin x plus है b cos x, हाँ b cos x। हाँ ये फॉर्म में होने के बाद कंपलसरी होना देख लो क्या होना, ये डिवाइड ये जो है ना डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर यहाँ पर देख लो क्या होना ये है, हाँ वन बाय यहाँ पर क्या करना वन बाय ये है कोएफिशिएंट ऑफ साइन और कोएफिशिएंट ऑफ कॉस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको ऊपर नीचे डिवाइड करो क्या ये है ये चलेगा क्या बताइए a by under root of a square plus b square into मैं ऊपर लेता यार अगर सम ये पॉसिबल मैं यहाँ पर बताता ये होने के बाद क्या करना ये I equal to one by a square plus b square ये divide करो numerator में multiply और divide a square plus b square into sin x और b by under root of a square plus b square into cos x है फिर हम इसके आगे है ना यू नो वेरी वेल इसको हम ये है ना इसको अगेन सब्स्टिट्यूट करो यानी सपोज पुट क्या आता है ये सपोज ये है cos alpha equal to a by under root of a square plus b square then you will get sin alpha equal to b by under root of a square plus बीस है ये मिलता है हाँ ये वन बाय ए स्क्वेयर प्लस तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में बताऊंगा मैं क्या था ये साइन एक्स इंटू क्रॉस अल्फा प्लस क्रॉस एक्स इंटू साइन अल्फा क्या मिलता फिर तुम्हें ये डी एक्स बाय है ये एज डी ना ये अंडर रूट ऑफ एज डी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फिर क्या है ये साइन एक्स प्लस अल्फा देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड वन बाय साइन है कोसेक का इंटीग्रेशन फिर हम ले सकते हैं ये है तुम्हारे लिए नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम और उसके बाद देख लो हमारे पास क्या है हाँ यू नो एलिवेट इसके साथ साथ हम ई भी यूज कर सकते क्या है ये a sin x plus b cos x by c sin x plus d cos x है अगर ये फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेंड है अब ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्म में a e raise to x plus b और c e raise to x plus d ये फॉर्म में है सपोज ये दोनों कौन से भी फॉर्म में आ रहे तो ये फॉर्म में और ये फॉर्म में देन कंपल्सरी क्या होना ये न्यूमरेटर एक्सप्रेस न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर याद रखो अगर ये फॉर्म में है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाय सी साइन एक्स प्लस डी एक्स और ये फॉर्म में है दोनों में से कौन से भी फॉर्म में आने दो कंपल्सरी न्यूमरेटर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर यानी a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाद में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं देन इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट इसमें जो प्रॉब्लम है हमारे पास बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख लो उसमें इंटीग्रेशन लास्ट पार्ट हमारे थ्योरी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉरी है ना पार्शियल फ्रैक्शन सॉरी लास्ट पार्ट हमारा जो है उसमें है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये है हमारे पास ये लास्ट पार्ट है उसके बाद बहुत सारे शॉर्टकट्स है मैं तुम्हारे को शीट में प्रोवाइड करूंगा क्या ये देख लो हाँ ये फॉर्म में अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन में है तो कंपल्सरी हमें ये होना सपोज ये पहला टाइप है पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ये फॉर्म में है
तो इसको हम कंपल्सरी एडजस्ट ऐसा करेंगे, ये फॉर्म में है ना, तो इसको ऐसा एडजस्ट करना, क्या ये पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी ए बाय एक्स माइनस ए और ये प्लस बी बाय एक्स माइनस बी है। ये फॉर्म में एडजस्टमेंट करो, इसका क्रॉस करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वन यू विल गेट ए एंड बी, ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वन यू विल गेट ए एंड बी, और उसको फिर ये फॉर्म में एडजस्ट करो, आई इक्वल टू ए बाय फर्स्ट प्लस बी बाय सेकंड, राइट। बाद में ये हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो भी है फॉर्म आते हैं। सपोज सी को हम ये फॉर्म में आने दो, पी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस सी बाय ये फॉर्म में है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, कंपल्सरी इसको हम एडजस्ट ऐसा करेंगे ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी और प्लस सी बाय एक्स माइनस, ये फॉर्म। देन इसको एक्सप्रेस करने के बाद हम इसको इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन यूज करेंगे, देन यू विल गेट ए इनटू 1 बाय ए लॉग एक्स माइनस ए है, समझता ना, प्लस बी इनटू 1 बाय ए लॉग एक्स माइनस बी और प्लस सी इनटू 1 बाय ए लॉग एक्स माइनस सी प्लस, ये है तुम्हारे लिए बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में और बहुत सारे है पॉइंट्स, देख लो उसमें क्या क्या है। वो पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास देख लो क्या है, हाँ हाँ पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास और पी एच प्लस, सब ये है पी एच प्लस क्यू बाय ये है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा एक्सप्रेस करेंगे क्या ये a बाय x माइनस ए और b बाय x माइनस ए इसका स्क्वायर। हाँ देन दूसरा देख लो क्या है, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस आर बाय x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर एक्स माइनस बी, क्या था फिर a बाय x माइनस ए b बाय x माइनस ए का स्क्वेयर और सी बाय एक्स माइनस, ये है हमारे पास ये प्रॉब्लम्स। देन थर्ड के लिए, थर्ड के लिए अगर सपोज पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस सी ये फॉर्म में है और नीचे हमारे पास एक्स माइनस ए का क्यू और एक्स माइनस बी है, तो इसको हम ऐसा एडजस्ट करेंगे, क्या ये इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे a बाय x माइनस ए b बाय x माइनस ए का स्क्वायर देन c बाय x माइनस ए का क्यूब और प्लस d बाय x माइनस b। बाद में ऑन सिंप्लीफाई और इक्वेटिंग और सिंप्लीफाइंग यू विल गेट abc एंड आफ्टर गेटिंग abc यू कैन गेट डायरेक्टली इंटीग्रेशन। और एक लास्ट पार्ट इसमें जो है उसके लिए देख लो एक बार, पी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस सी बाय एक्स माइनस ए इंटू क्या ही है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस, ये फॉर्म में आने के बाद क्या ही है ए बाय एक्स माइनस ए और ये प्लस बी एक्स प्लस सी बाय क्या ही है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस, ये तुम्हारे लिए ये है यहां तक ये से। ये है लास्ट फॉर्मूले, यहां तक हम एडजस्टमेंट कर सकते, इसके बाद जो है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ शॉर्टकट्स फॉर्मूले है मैं तुम्हें वो शीट्स में प्रोवाइड करूंगा, बाकी कुछ नहीं। अब ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले है वो हर इतने फॉर्मूले याद रखना पॉसिबल नहीं, यू हैव टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। I will provide you the shortcuts and important points. अपने शीट में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इतना ये याद रखना, उनका यूज करना अब पॉसिबल है तो भी यू शुड
ट्राई योर सेल्फ डेटा मैन आई विल प्रोवाइड यू इन द फॉर्म ऑफ शीट है बहुत सारे फॉर्मूले लेकिन उतने फॉर्मूले याद रखना पॉसिबल नहीं हम डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे बेस्ट।